हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर मोबाइल फोन। अंदर की क्यूज है व्हेन वाज इट, वेयर वाज इट, व्हाई वर यू नॉट अलाउड टू यूज योर मोबाइल फोन एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई ओकेजन या फिर समय की बात कीजिए जब आपको अलाउ नहीं किया आपका मोबाइल फोन यूज करने के लिए। ऐसा कब हुआ था, कहाँ हुआ था और रीज़न क्या था, क्यों आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं किया गया और आपने इसके बारे में कैसा फील किया। हम आज बात करने वाले हैं ऐसी एक सिचुएशन के बारे में कि हम एक वर्शिप प्लेस पे गए और क्योंकि वो मिलिट्री एरिया था इसलिए हमें हमारा फ़ोन काउंटर पे जमा कर देना पड़ा और अंदर जाने के लिए फ़ोन अलाउड नहीं था। ज़्यादातर लोगों को जब ये क्यू कार्ड के बारे में पूछा जाएगा तो वो एग्ज़ाम की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो वी विल ट्राई टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, नॉट टॉक अबाउट द एग्ज़ाम सिचुएशन एंड टॉक अबाउट समथिंग यूनिक। अब देखेंगे कि जब हमें एक मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। When was it में मैंने लिखा है a year ago, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। Where was it, in my city, this is also what you can change. Why were you not allowed to use your mobile phone, because military area लिखा हुआ है मैंने। How you felt about it, so शुरुआत में हमने uncomfortable feel किया, बाद में calm और relaxed feel किया। अगर आपको मेरे ideas की PDF book को खरीदना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट वन के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। दिस हैपेंड विथ मी अ ईयर अगो, इट हैपेंड इन माई सिटी। ऐसा मेरे साथ एक साल पहले हुआ मेरे ही शहर में। सो आपने फर्स्ट और सेकंड क्यू को यहाँ पे आंसर कर दिया। जैसे मैंने कहा, आप चाहो तो टाइम और जगह को बदल सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। वी हैड विजिटर्स एट होम एंड दे वांटेड टू सी अ वेल नोन प्लेस इन माय सिटी। हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे और उनको मेरे शहर की एक बहुत ही लोकप्रिय जगह को विजिट करना था, देखना था। इट वॉज़ अ यूनिक प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड द EME टेम्पल। ये एक पूजा की जगह थी, वर्शिप यानि जहाँ पे हम रिलीजियस पूजा करने जाते हैं, जिसका नाम था EME टेम्पल। ऑल्दो इट्स नेम इज़ अ टेम्पल, इट हैज़ सिम्बल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। भले ही इसका नाम टेम्पल है यानि मंदिर है, इस पर्टिकुलर जगह पे सारे जो धर्म है, रिलीजन है, उसके चिन्ह है। यानि ये टेम्पल नहीं है, सर्वधर्म प्रार्थना की जगह है। ऐसी जगह सच में मौजूद है बड़ौदा में, EME टेम्पल, आप गूगल भी कर सकते हो। वी हैड टू सबमिट अवर मोबाइल फोन्स एट द एंट्रेंस अलॉन्ग विथ अवर आइडेंटिटी कार्ड्स। हमें हमारा जो फ़ोन था वो एंट्रेंस पे सबमिट कर देना था और साथ में हमें हमारा आइडेंटिटी कार्ड भी वहाँ पे देना था। वी वर गिवन अ टोकन विद द हेल्प ऑफ विच वी हैड टू कलेक्ट अवर फोन्स व्हेन वी रिटर्न। उसके सामने हमें एक टोकन मिला जिसके आधार पे हम जब लौट जाए वहाँ से तो अपना फ़ोन वापस कलेक्ट कर सके। द प्लेस ऑफ साइट सीइंग वॉज इन साइड द मिलिट्री एरिया एंड ड्यू टू दिस रीज़न मोबाइल फ़ोन वॉज नॉट अलाउड इन साइड। सो अब हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया कि जहाँ पे हम गए थे विजिट करने वो जो जगह थी वो मिलिट्री एरिया के अंदर थी और यही कारण था कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, क्योंकि नोबडी कैन क्लिक पिक्चर्स और टेक वीडियोज़ इन द मिलिट्री एरिया, इट इज़ अ सिक्योरिटी जोन। आगे देखेंगे। I felt very uncomfortable without my phone at first and almost decided to drop the idea of going inside. So, अब हम बता रहे हैं कि हमें फ़ोन अलाउ नहीं किया तो हमें कैसा फील हुआ। सो शुरुआत में तो मैं बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो गया और मैंने सोचा कि मुझे अब अंदर नहीं जाना है, मैंने वो आइडिया को ड्रॉप करने का डिसाइड किया। However, I also understand that due to security reasons, phone cannot be taken inside. लेकिन मैं समझता हूँ कि security reasons से फ़ोन अंदर नहीं ले जाया सकता। The serene and beautiful atmosphere of the place made me instantly forget about my phone. I felt calm and relaxed. वो जो जगह थी उसका जो शांत और सुंदर जो एटमोसफियर था उसकी वजह से मैं अपने फ़ोन के बारे में भूल गया। मुझे बहुत ही शांति और रिलैक्स्ड फील हुआ। इट वॉज रीजुविनेटिंग टू स्पेंड टाइम इन अ पीसफुल प्लेस विदाउट द फोन विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्बिंग। शांत जगह पे फ़ोन के बिना समय बिताना बहुत ही ताजगी भरा अनुभव था, क्योंकि ज़्यादातर समय फ़ोन हमें डिस्टर्ब करता है।
The place is worth seeing and keeping the phone aside for an hour to see this unique place was justified. ये जो जगह थी वो सच में देखने लायक थी और इसलिए अगर फ़ोन एक घंटे के लिए साइड में रखना पड़े तो वो जायज़ था. I have no regrets that I could not use my phone as I got to visit the major tourist attraction. मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं थोड़े समय के लिए अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि इसके सामने मैंने एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट किया. मैं देख पाया ऐसी जगह. I feel I should learn to keep aside my phone for an hour daily. It was a memorable and a learning experience for me. मुझे लगता है कि मुझे रोज़ एक घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख देना चाहिए. मेरे लिए ये यादगार और कुछ नया सिखाने वाला अनुभव था. सो फ्रेंड्स, ये जो क्यू कार्ड है उसके जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी. अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं. अगर आपको PDF परचेस करनी है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे ज़रूर से संपर्क कीजिए. ऑल द बेस्ट.